नमस्कार प्रणाम दोस्तों। तो देखिए आज मैं आप लोगों को चाहिए तो चाहे मैं आ चुकी हूँ और देखिए रात हो चुका है पूरा इधर। और मैं ऐसे भी घर से देखिए मेरा यही घर है पूरा और यही पूरा अंदर पर रूम है। और देखिए दोस्तों क्योंकि मुझे साल भर का टाइम मिला है मुझे इस घर से निकलने के लिए, तो मैं इस मुद्दे पर आप लोग को बात करने वाली हूँ। क्योंकि पता है दोस्तों आप लोग बहुत आवाज़ उठाते हैं ज़्यादा कि गोरखपुरिया भाभी खराब है, ऐसी है वैसी है। अरे अगर आप लोग उनको पसंद नहीं करते हैं तो मत कीजिए, आप इग्नोर मार दीजिए और किसी को चरित्र पर दागी मत लगाइए। क्योंकि दोस्तों दाग लगाने वाला हजार लोग मिलेगा पर दाग मिटाने वाला किसी भी नहीं मिलेगा, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। इसीलिए किसी का चरित्र पर दाग लगाना भूल जाइए लोग। और गोरखपुरिया भाभी तो वह हैं जो मिट्टी से उठाकर किसी को सर पे रख देती हैं, तो वही आदमी भों 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 कर करके उसको खिलाफ जहर भरने लगते हैं। तो भाई हम कहते हैं कि मानो तो जो धरती से उठाकर आसमान में रख देता है ना तो वो देवता होता है। तो आप लोग वैसे आदमी का आप लोग इतना मजाक बनाते, तो हम छोटे छोटे यूट्यूबर का क्या है जब उनके पास इतना मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, जो हम लोग को तो पास 10-20 के सब्सक्राइबर हैं और उनको तो चाहने वाले इतना है। तो आप लोग ऐसे करें तो हम लोग को भी बनाने का थी मतलब हुनर हटे जा रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए रात हो चुका है, मैं छुप कर वीडियो बनाती हूँ और सपोर्ट भी नहीं करते हैं लोग, कोई बात नहीं, पर मेहनत करने वाला को कभी हार नहीं होता है, ये मेरी भाभी जी बताती हैं, गोरखपुरिया भाभी। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि प्लीज़ अगर किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं तो किसी का बुराई भी मत करिए। अगर किसी को भलाई नहीं करना चाहते हैं तो किसी का बुराई भी मत करिए। अरे किसी का चरित्र पे दाग लगाने से पहले अपने अंदर झांक लो कि मेरे चरित्र में क्या है। और दूसरों को तो आप लोग बता देते हैं ये वैसी है वैसी है, कुछ दिन में आप लोग हमें भी बता देंगे। पर देखिए भगवान जिनको सही रहते हैं ऊपर वाले के लाठी से कभी नहीं कोई बचता है। इसलिए दोस्तों आप लोग इतना ही बुराइया कीजिए कि भगवान भी बर्दाश्त कर ले। हम आप लोग से हांजर के जो भी मैं गलती सही बोली होंगी भाभी जी आपके बारे में किसी के बारे में हमको हांजर के माफ़ी मांग रही हूँ, आप लोग हमें माफ़ कर दीजिएगा छोटी समझ के, क्योंकि हमें ब्लॉग बनाना नहीं आता है तो भी मैं बनाई हूँ आज आपके लिए भाभी जी। तो आप लोग देख लीजिए मेरा यही घर है और मैं इसमें से साल भर में निकलने वाली हूँ, क्योंकि हमको बोल रहे हैं लोग कि निकल जाओ, यही पूरा अंदर तक ले मेरा घर है, आप लोग देख लीजिए। मैं कभी भी फुल वीडियो नहीं बनाती थी पर आज बनाई हूँ अपनी भाभी के लिए।